हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डीपीपी नंबर 4। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड के इफ दिस एंड दिस हैव कॉमन रियल रूट्स। तो एग्जामिनर ने फिर से कोई हिंट नहीं करी है हमको कि एक रूट कॉमन है कि दो रूट कॉमन है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे। तो पहले तो अपन चेक कर लेते हैं बोथ द रूट्स कॉमन वाली चीज, तब क्या होता है। a1 by a2 मतलब 1/1 equal to b1/b2 equal to c1/c2। तो इन दोनों से मुझे k की वैल्यू मिल रही है -2, और अगर मैं k की वैल्यू -2 यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये कितना बन रहा है, 3/-5 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहां से हमको ये समझ में आ गया कि बोथ द रूट्स कॉमन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब अपने पास क्या बचता है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन के मैंने आप लोगों को दो मेथड बताए थे, दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला मेथड तो हो गया अपना फॉर्मूले वाला मेथड, c1 a2 - c2 a1 द होल स्क्वायर, वो सब फॉर्मूला। तो यहाँ पे c1 कितना है, 3 into 1 दैट विल बी 3 - 1 into this दैट विल बिकम k² + 1, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a1 b2 मतलब 2k + 4 into 4k² + 4 - 6k। अब इस ब्रैकेट को अपन फटफट ओपन कर देते हैं। अब यहां से मैं k कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगी, ये क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हमको निकालने पड़ेंगे। पहला रूट तो हिट एंड ट्रायल से। तो अब k की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो k = 2 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। k को 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन गया 8 - 32 + 8 + 16। तो 8 + 8 + 16 वो हो गया 32, ये -32। तो k = 2 इज वन ऑफ द रूट, इसका मतलब k - 2 एक फैक्टर है। फिर इस क्यूबिक इक्वेशन को अगर मैं k - 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे रिमेनिंग एक्सप्रेशन जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, k² - 6k - 8 = 0। तो यहां से दो वैल्यू तो k की आ गई, एक तो 0 और एक 2, और यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो थोड़े गंदे से रूट्स आ रहे हैं। तो k = कितना हो जाएगा, 6 + -36 + 32 3 + - तो आंसर क्या हो गया भाई इसका, 0, 2, 3 + -√17। क्लियर विद दिस, आगे बढ़ते हैं दूसरा मेथड देखते हैं इसका। भाई अपने पास एक इक्वेशन है x² - 4x + 3 = 0, और इसके रूट्स इजीली आ जाएंगे x = 1 और 3। अब एक बार 1 कॉमन रूट बन जाएगा तो 1 जो है वो हमारी दूसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, तो अगर x = 1 इन दोनों का कॉमन रूट है तो 1 + 2k - k² - 1 = 0। तो यहां से आ गया k² - 2k = 0। तो यहां से k की दो वैल्यूज आ गई, 0, 2, और अगर 3 इनका कॉमन रूट है तो 3 जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा सेकंड वाली इक्वेशन में तो 9 + 6k - k² - 1 = 0। तो ये हो गया k² - 6k - 8 = 0। ये वही वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो पिछली बार भी आई थी। तो इससे इजीली हमारे जो
रिमेनिंग दो वैल्यूज हैं के की, वो आ जाएगी। ऑब्वियसली सेकंड मेथड इज फार बेटर कंपेयर टू द फर्स्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पर जो पहली वाली इक्वेशन है वो इजीली फैक्टराइजेबल है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, कॉमन रूट जो है इन दोनों इक्वेशन में वो अल्फा आता है, ये हमने क्लास इलस्ट्रेशन में भी देख लिया था। एक बार हम इसको फिर से यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं इनकेस अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है। तो लेट्स से कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बीच में जो कॉमन रूट है उसको मैं मान लेता हूँ लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा लैम्डा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू जीरो, सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो लैम्डा स्क्वायर प्लस गामा लैम्डा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिल रहा है लैम्डा टाइम्स बीटा माइनस गामा। यहाँ पर अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा मिलेगा तो उसमें से मैं माइनस अल्फा को कॉमन निकाल लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा बीटा माइनस गामा इक्वल टू जीरो। अब ये दो फैक्टर्स आ गए लैम्डा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस गामा इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। ये अगर जीरो हो गया तो दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम हो जाएगी, तब तो दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है इक्वल टू जीरो होने की। देयरफॉर वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा, लैम्डा को ही हमने कॉमन रूट अज्यूम किया था तो कॉमन रूट इन दोनों के बीच में आ गया अल्फा। लेकिन अभी आगे वाला पार्ट क्या है कि हमें ये दिखाना है कि द इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर टू रूट्स, तो इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे जिनमें से एक रूट तो लैम्डा है, तो मैं मान लेता हूं जो दूसरा रूट है वो है एम, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है अल्फा गामा के इक्वल, तो मुझे मिल गया लैम्डा इंटू एम इज इक्वल टू अल्फा गामा। अब लैम्डा हमारा अल्फा ऑलरेडी आ चुका है तो यहां से क्लियरली मुझे दिख गया कि एम जो है वो है गामा के इक्वल। सिमिलरली इस दूसरी वाली इक्वेशन के लिए मैं जो सेकंड रूट है उसको एन मान लेता हूं, तो लैम्डा इंटू एन इज इक्वल टू अल्फा बीटा, लैम्डा हमारा ऑलरेडी अल्फा आ चुका है तो इस इक्वेशन का जो दूसरा रूट है एन इक्वल टू बीटा आ गया। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन डिटरमाइन करनी है जिसके जो दो रूट्स है वो m और n है, तो मैं यहां से सम ऑफ द रूट्स निकाल लेता हूं, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट विल बी बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बीटा गामा इक्वल टू जीरो। ये आ गई हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हमको जो प्रूव करना था वो प्रूव ये नहीं करना है, हमको क्या प्रूव करना है कि वो जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा गामा। तो अब क्या करें भाई, ये जो इक्वेशन है या ये इक्वेशन जो तुम्हारी मर्जी हो वो ले लो, इस इक्वेशन के रूट्स हमने माने हैं लैम्डा एंड एम, तो सम ऑफ द रूट्स अगर मैं देखूं यहां से तो वो माइनस बीटा के इक्वल आ रहा है, तो मुझे मिल गया कि लैम्डा प्लस एम इज इक्वल टू माइनस बीटा। अब लैम्डा हमारे किसके इक्वल आया था अल्फा के इक्वल, एम हमारा किसके इक्वल आया गामा के इक्वल इक्वल टू माइनस बीटा, तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया है कि बीटा प्लस गामा जो है वो माइनस अल्फा के बराबर है, तो ये बीटा प्लस गामा की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा गामा, और यही हमको प्रूव करना था एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीबीबी के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि क्वेश्चन का नंबर अगर येलो कलर से है तो इसका मतलब है कि वो मोर देन वन करेक्ट है। अभी सबसे पहले फिर से वही काम करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में जो कॉमन रूट है वो फाइंड करते हैं। लेट्स से कि कॉमन रूट जो है वो है अल्फा, इस बार अल्फा ले लेते हैं, तो पहली वाली इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, अल्फा दूसरी वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, फिर से दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो a टाइम्स b माइनस सी इंटू अल्फा प्लस c माइनस b इक्वल टू जीरो, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है b माइनस सी इंटू a अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो।
डी माइनस सी इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता क्योंकि उस केस में ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी। तो मेरे पास ये आ गया यहाँ से कि अल्फा की जो वैल्यू है वो है 1/a, तो जो हमने कॉमन रूट माना था वो कितना आ गया 1/a। नाउ लेट्स से कि मैं पहली वाली इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उनमें से एक रूट तो हो गया अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी के बराबर। तो यहां से मुझे मिल गया बीटा इक्वल टू अल्फा कितना आया था 1/a, तो ये बन गया ए सी। ठीक है भाई, अब जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं, उनको मैं मान लेता हूं अल्फा और गामा है, तो अल्फा इंटू गामा वो कितना दे रखा है बी के इक्वल, तो यहां से गामा इक्वल टू कितना आ गया ए बी। ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों से मिलके जो बनने वाली इक्वेशन है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स हो गया ए टाइम्स बी प्लस सी, तो ये आ गया बहुत ही इजीली। लेकिन ये क्वेश्चन तो मोर देन वन करेक्ट है। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन तो है भाई बी वाला, तो एक आंसर सेकंड ऑप्शन तो आ गया। एक और ऑप्शन भी पॉसिबल हो सकता है या एक से ज्यादा ऑप्शन भी पॉसिबल हो सकते हैं मोर देन वन करेक्ट में। ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो होती है, अगर यही पता चल जाए कि हाँ भाई नंबर ऑफ आंसर्स कितने हैं तब तो बहुत ही ईजी हो जाती है चीजें, बट ऐसा होता नहीं है, लाइफ इज नॉट दैट ईजी। तो फिर से जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही कुछ करके देखते हैं। यहां पर सम ऑफ द रूट्स कितना है माइनस ए बी के बराबर, और पहली वाली इक्वेशन के रूट्स हमने क्या माने थे अल्फा बीटा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस ए बी। अब अल्फा कितना आया अपने पास 1/a, बीटा कितना आया अपने पास ए सी के इक्वल, दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो यहां से मुझे मिल रहा है कि माइनस ए स्क्वायर टाइम्स बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसको लेट्स से मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इसका क्या यूज करेंगे भैया, यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, क्योंकि बाकी आप जो ऑप्शंस देखो ना, मतलब ये दोनों में से तो ये दोनों सिमेट्रिकल टाइप के ऑप्शंस लग रहे हैं, समझ रहे हो बात को, तो इन दोनों में से तो एक ही ऑप्शन आ गया अपना सेकंड वाला। अब अपने पास बचता है थर्ड और फोर्थ को चेक करना। तो थर्ड और फोर्थ में अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज समथिंग विच इज नॉट 1, हो सकता है कि उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है, वो देखेंगे अपन बाद में, लेकिन इट इज नॉट जस्ट एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर मेरे पास 1 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर टाइम्स बी प्लस सी आया, तो मैं इस 1 को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और माइनस को कॉमन भी निकाल लूंगा, तो मुझे क्या मिल रहा है ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया है, और ये माइनस हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैं ए को कॉमन निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा ए टाइम्स बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए बी सी। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है अपना फोर्थ वाला। आगे बढ़ते हैं, एक क्यूबिक इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं इसका, तो हम एक काम करते हैं लेट्स से द कॉमन रूट इज अल्फा। अब अगर कॉमन रूट अल्फा है तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही चीज हम बार बार करते आ रहे हैं कब से, तो 2a अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस टी इक्वल टू जीरो, इसको बोल दिया एक्सप्रेशन 1। फिर अल्फा सेकंड वाले को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ गया, ये इजीली इस तरीके से आ गया, इसको बोल दिया एक्सप्रेशन सेकंड। अब क्या क्या हम लोगों को पता है, व्हाट डू वी नो द कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहां पर क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करें। यहां पर अगर आप ध्यान दो,
ये 2a ये 2a दोनों सेम है, तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं और ये करूं उसके बाद कि सेकंड एक्सप्रेशन इनटू अल्फा माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन कर दूं मैं, तो जब मैं अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 2a अल्फा क्यूब, ये भी 2a अल्फा क्यूब, तो जो क्यूब वाली चीज है वो गई, वही प्रॉब्लमेटिक थी उसको अपन ने कर दिया गायब। ये कितना बन जाएगा 3b अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर b अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 3b अल्फा स्क्वायर में से b अल्फा स्क्वायर माइनस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2b अल्फा स्क्वायर, इसमें अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो 4c अल्फा में से c अल्फा गया तो मुझे मिल गया 3c अल्फा, और यहां पर ये d, लेट से इसको मैंने बोल दिया एक्सप्रेशन नंबर 3। अब ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। एक और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपने पास ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, सेकंड वाला एक्सप्रेशन क्या था भाई? अब अगर आप देखो ध्यान से तो थर्ड और फोर्थ में एक कॉमन रूट है अल्फा, और ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कॉमन रूट की कंडीशन हम लोगों को पता है क्वाड्रेटिक में क्या होती है, c1a2 - c2a1 का होल स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे फटफट लगा देते हैं, तो माइनस डी इंटू दिस दैट विल बिकम माइनस 2ad माइनस टाइम्स 2b इंटू 4c तो दैट विल बिकम माइनस 8bc इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2b इंटू 3b दैट विल बिकम 6b स्क्वायर माइनस 6ac इंटू 3c इंटू 4c दैट विल बिकम 12c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3bd जलाइले। तो जो जो चीजें कॉमन निकल रही उनको कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से माइनस 2 बाहर निकाल लेते हैं, स्क्वायर प्लस बन के निकलेगा, तो 4 टाइम्स ये आ गया ad प्लस 4bc का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 6 बाहर निकाला यहाँ से 3 बाहर निकाला तो ये बन जाएगा 18b स्क्वायर माइनस ac इंटू 4c स्क्वायर प्लस bd, 4 से 18 को कट किया तो ये बन गया 2, ये बन गया 9, तो 2 टाइम्स देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन है। 2 टाइम्स पहले तो यहाँ पर है ad प्लस 4bc, 9 टाइम्स b स्क्वायर माइनस ac bd प्लस 4c स्क्वायर, bd प्लस 4c स्क्वायर, तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर 4। गणपति जी की जय जय कार। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।